वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके 10th क्लास का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने फिर से थर्ड लहर, तीसरी लहर के आने का संकेत दे दिया है, और ऐसी स्थितियों में यदि आपकी स्कूल के फिर से बंद हो जाती हैं तो इन प्रपत्र के द्वारा ही आपका जो मूल्यांकन है उसके आधार पर आपको आपके अंक दिए जाएंगे, आपके नंबर मिलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम उस प्रपत्र को, उस टेस्ट को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से यह सॉल्व किया जाएगा और इसके सही सही आंसर्स क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स बने रहिए शुरू से लेकर आखिर तक और समझिए इस वीडियो में हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। तो हो जाइए तैयार, अपनी पेंसिल, अपने पेन, अपनी नोटबुक और अपनी कॉपी को लेकर और अपनी बुक्स को भी लेकर, और हम शुरू से शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर इस प्रपत्र के अंदर हमें कुछ क्वेश्चन जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वह ऑप्शनल है, यानी हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। हमें ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं और उन ऑप्शन में से हम सही चुनाव करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। क्वेश्चन है कि अब उसके बचपन से ही सभी लोग उसे भोली बुद्धू कहकर पुकारा करते थे। तो क्वेश्चन क्या बनता है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सिंपलटन। यहां पर इस सिंपलटन शब्द का यानी कि बुद्धू शब्द का सिनोनिम अर्थात समानार्थी शब्द छांटना है, जिसका अर्थ क्या हो, बुद्धू हो। तो यहां पर हम देखते हैं एक शब्द लिखा है फूल, फूल का अर्थ क्या होता है, मूर्ख या बुद्धू। ठीक है, तो इसका सही अर्थ जो है वह है फूल, इसलिए सही आंसर हमारा है फूल, और इसे हम यहां पर इस प्रकार से इस ब्रैकेट में लिख देंगे। देखते हैं दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस में लिखा है द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल निकाला करते थे। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मिमिक। मिमिक शब्द का यानी कि मिमिक शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, तो यहां पर देखिए यहां पर एक शब्द आया है इमिटेट। इमिटेट का अर्थ भी क्या होता है, नकल उतारना, नकल निकालना, और इसलिए यह सही आंसर है और इसको हम यहां पर ऐसे भर देंगे। नेक्स्ट, रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, रामलाल भौचक्का रह गया। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड थंडरस्ट्रक। थंडरस्ट्रक शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो हमने यहां पर देखा है जो समानार्थी शब्द चार मिले जो हैं उनमें से सही अर्थ क्या है, स्टंट। स्टंट का मतलब क्या होता है, भौचक्का रह जाना, दंग रह जाना। तो इसका ऑप्शन हम यहां पर इस प्रकार से भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन भोलीज आईज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। भोली की आंखों में ना गुस्सा था ना ही नफरत थी, केवल तिरस्कार था, केवल निंदा थी। तो यहां पर पूछा गया है फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो यहां इसका सही अर्थ है, सही जो शब्द है वो है डिसरेस्पेक्ट। डिसरेस्पेक्ट ऑप्शन बी को आया है और हम यहां इस प्रकार से इसे लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इतना शर्मिंदा मत करो, टेक 2000 रुपीज, 2000 रुपया ले लो। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, तो यहां पर समानार्थी शब्द का अर्थ आया है एम्बेरस। एम्बेरस मतलब भी क्या होता है, शर्मिंदा करना, और ये सही ऑप्शन यहां पर अपने को इस प्रकार से भरना है। नेक्स्ट, द कलर्स ऑन द वॉल फैसिनेटेड हर, दीवारों के रंग ने उसे आकर्षित किया। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फैसिनेट। फैसिनेट शब्द का सिनोनिम समानार्थ बताइए, समानार्थ क्या होगा भैया, इसमें होगा अट्रैक्ट। ठीक है, अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, और इसके सही ऑप्शन को, ऑप्शन बी को हम यहां इस प्रकार से भर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एडजेक्टिव क्लॉज। उपयुक्त एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा इस सेंटेंस को भरिए, यानी कि हमें यहां पर दो सेंटेंस मिले हैं,
पहला है माई मदर, यहां पर देखिए एक ब्लैंक है, फिर लिखा है आस्क मी टू बाय ए न्यू वन। ठीक है, यहां पर क्या किया गया है, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हुए इसे कंप्लीट करना है और हमारे पास चार ऑप्शन है। अब देखिए यहां लिखा है विच, अब ये विच किसके लिए प्रयोग किया जाएगा। देखिए जो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं उसका दिए गए सेंटेंस के सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं रिश्ता होता है और हम जानते हैं विच का प्रयोग निर्जीव चीजों के लिए किया जाता है। दूसरा आता है वेयर, वेयर किसके लिए करते हैं भैया, वेयर हमेशा स्थान के लिए प्रयोग किया जाएगा। और चौथा क्या है, हुज लाइक्स अम्ब्रेला, हुज के साथ में हुज जो है वो मनुष्यों के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर भी हुज है, दोनों ही जगह हुज दे रखा है ऑप्शन सी एंड डी के अंदर। तो हम कौन सा चुने, तो सही इसके लिए जब हम इस कंफ्यूजन में आएंगे तो हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि हुज के जस्ट बाद में कोई नाउन का होना, किसी संज्ञा का होना अवश्य है। अब यहां पर आप देखिए यहां लिखा है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है, नाउन है, संज्ञा है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं। जबकि इस वाले वाक्य में क्या लिखा है, लाइक्स मेन वर्ब, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हुज के साथ में कोई मेन वर्ब आ जाए। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यहां पर ये जो ब्रैकेट है यहां पर हम सी बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि हम इसके आगे बढ़ सकें और इसको सॉल्व कर सकें। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे दूसरा सेंटेंस हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और देखिए यहां पर लिखा है एक और वाक्य लिखा है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है, दैट इज द हाउस वॉल्स वर रिपेंटेड सेवरल टाइम्स, यह वह घर है जिसकी दीवारों को कई बार पेंट किया गया है। तो यहां पर देखिए हमारे पास है दैट, विच, हुम और हुज। तो देखिए सबसे पहले हुम जो है वो गलत आंसर है। रीजन क्या है, हुम हमेशा मनुष्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, हुज का भी है, यहां पर भी दोनों ही तरफ देखिए निर्जीव चीजें आ गई हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर दैट और विच की। दैट जो है एक यूनिवर्सल कनेक्टिव की तरह काम करता है, अर्थात हम दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं, जबकि हम विच को भी यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि विच का यूज भी हमेशा निर्जीव चीजों के लिए किया जाता है। तो यहां पर देखिए वॉल्स जो है निर्जीव है, इसलिए हम ऑप्शन बी या ऑप्शन ए दोनों को सही मान सकते हैं। आगे देखें, आगे लिखा है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एडजेक्टिव क्लॉज, पूरे वाक्य को इस सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा पूरा कीजिए। देखिए यहां पर लिखा है विद हुज, अभी अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि हुज के जस्ट बाद में कोई नाउन का होना अवश्य है, लेकिन जब हम दूसरे वाक्य में यहां देखते हैं तो यहां देखिए यहां पर प्रो नाउन है, ऐसा कभी नहीं होता। दूसरा देखिए ऑफ हुम, यहां पर ऑफ का प्रयोग किया गया है, हुम का जो है वह अर्थ हुम का प्रयोग मनुष्यों के लिए किया जाता है, यहां पर भी हुम है, ऑप्शन सी में भी हुम है, तो हम दोनों में डाउटफुल है। यहां पर ऑफ जो ऑप्शन डी है ऑफ हुज वापस से गलत आ गया, क्योंकि हमने क्या अभी अभी समझा था, देखिए हुज कभी भी प्रोनाउन को लेकर नहीं चलता है। तो रह गए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अब इसमें से सही कौन सा है, इसमें से ऑप्शन सी जो है वह हम सही मानते हैं। इसका रीजन क्या है, ऑफ जो है वह के द्वारा का देता अर्थ देता है, जबकि विद जो है वो साथ का अर्थ देता है। अब यहां पर आप सेंटेंस पढ़िए, द ओल्ड मैन विद हुम, जिसके साथ आई वॉज ट्रेवलिंग टोल्ड मी हिज लाइफ स्टोरी। तो साथ के अर्थ में हम लोग यहां पर विद लगा रहे हैं, और हुम क्यों लगा है, क्योंकि आई क्या है, मनुष्यों के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोनाउन है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम इसका सही आंसर निकालेंगे और बढ़ते हैं हम अगले वाक्य की तरफ। देखिए अगला जो वाक्य है उसमें हमें क्लॉज को पहचानना है, इसमें कौन सा क्लॉज है। लिखा है आफ्टर वी रिमॉडल्ड आवर हाउस वी रिमूव द हवेली, वी मूव टू हवेली, हमारे घर को फिर से री
मॉडल करने के बाद हम हवेली में चले गए, तो इसमें आपको क्या करना है, क्लॉज पहचानना है। यहाँ पर एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज दिया गया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर एडवर्ब क्लॉज है। रीजन रिमॉडल्ड शब्द का प्रयोग किया गया है, किसको किया गया, रिमॉडल्ड हाउस को फिर से रिमॉडल्ड किया गया है, और ये इस वर्ब को एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में दिखाता है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्लॉज, मैरी हर्ड अ फ्राइटनिंग नॉइस दैट वुड स्केयर द ब्रेवेस्ट ऑफ पीपल। अब इसके अंदर भी क्या करना है, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज का हमें पता लगाना है, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज का पता लगाना है। इसमें देखिए कौन सा क्लॉज है, इसके अंदर देखिए ब्रेवेस्ट शब्द जो है वो एडजेक्टिव बताता है। ब्रेवेस्ट मतलब क्या है, सबसे बहादुर, यहां पर इस चीज को बताया गया है, बहादुर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये विशेषण है, इसलिए हम लोग यहां पर ए ऑप्शन ए को सही मानेंगे और यहां पर इस प्रकार से इसे लिख देंगे। आगे देखिए सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 12, कंबाइन द टू सेंटेंसेस विद एन एडजेक्टिव क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है, और वाक्य क्या है, यू आर लुकिंग अपसेट, तुम दुखी दिखाई देते हो, कैन यू टेल मी द रीजन, क्या तुम मुझे इसका कारण बता सकते हो। अब इसको यदि हम कंबाइन करें, इसको हम जोड़ें, तो बनेगा कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई यू आर लुकिंग अपसेट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्यों उदास दिखाई देते हो, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, और यहां पर हम निशान नहीं लगाएंगे, जबकि हम यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर सही ऑप्शन अपना फिल कर देंगे। स्टूडेंट्स देखिए आगे बढ़ते हैं, और आगे अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए कंबाइन द टू सेंटेंसेस विद एन एडजेक्टिव क्लॉज, फिर से यहां पर दो वाक्यों को जोड़ना है, और किससे जोड़ना है, एडजेक्टिव क्लॉज के साथ में हम जोड़ेंगे। दो सेंटेंस है, यू Put the keys somewhere, तुमने keys कहीं पर रख दी है, Show me the place, वह स्थान मुझे दिखाओ। अब इसको जब हम adjective clause से जोड़ते हैं तो sentence देखिए इस प्रकार बनेगा, Show me the place where you put the keys, मुझे वह स्थान दिखाओ जहां पर तुमने चाबी रखी है। अब ये जो where शब्द है यह question को present नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक clause की तरह काम कर रहा है, किसके लिए, प्लेस के लिए। जब भी हम किसी प्लेस की बात करेंगे तो उसके लिए अगर हम किसी प्रकार का क्लॉज लगाएंगे तो वह अक्सर वेयर होता है, तो हम यहां पर इस ऑप्शन को अपने ब्रैकेट में फिल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर मैं एक बार फिर से आपके लिए लिख देता हूं, ये हमारा ऑप्शन बी था, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं अपने इस प्रपत्र के अंदर। देखिए अगला जो है क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन के लिए हमें एक छोटा सा स्टेंजा, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। देखिए, हाउ इज द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब्ड इन द गिवन पैसेज, दिए गए पैसेज के अंदर घर की स्थिति को किस प्रकार बताया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस छोटे से पैराग्राफ पैसेज को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, इट वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर्स Household and there was plenty to eat and drink. यह एक समृद्ध किसान का घर था और वहां खाने और पीने के लिए बहुत कुछ था. All the children except Bholi were healthy and strong. भोली को छोड़कर सारे बच्चे healthy थे, यानी स्वस्थ थे और मजबूत थे. The sons had been sent to the city to study in schools. बेटों को स्कूल में पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया था, एंड लेटर इन कॉलेजेस, और उसके बाद वहां पे वो कॉलेज जाने वाले थे। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और लड़कियों में सबसे बड़ी राधा की पहले से ही शादी कर दी गई थी। तो आइए कुछ यहां पर ये जो क्वेश्चन है इनको हम समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था कि घर की स्थिति कैसी बताई गई है, घर की स्थिति बताई गई है प्रॉस्परस, समृद्ध, समृद्ध किसान का घर था, तो हम लोग यह लिखेंगे सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु वाज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी कौन थी, तो इसका आंसर है
सबसे बड़ी बेटी का नाम था राधा, जिसकी शादी पहले से ही कर दी गई थी। अब आगे देखिए क्या है, हाउ डिड रामलाल्स वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हर गर्ल्स टू स्कूल। रामलाल की पत्नी ने बेटियों को स्कूल भेजने पर कैसी प्रतिक्रिया की। हालांकि इस पैराग्राफ में, इस पैसेज के अंदर इसका आंसर नहीं है, लेकिन यदि हम लेसन को पूरा पढ़े तो हमें पता है कि रामलाल की पत्नी क्या हो गई थी, गुस्सा हो गई थी, और गुस्से वाला ऑप्शन है शी गॉट एंग्री। इसलिए हम लोग इसका ऑप्शन नंबर वन को, यानी ऑप्शन नंबर ए को फिल कर देते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, चलिए देखें आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट डिड हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन द रिटर्न ऑफ हिज वर्क। हरी सिंह अनिल से अपने काम के बदले में क्या चाहता है, क्या प्राप्त करता है। ये अनिल और हरि सिंह वाला चैप्टर, ए थीफ स्टोरी जो चैप्टर है आपके, उससे लिया गया है। यहां पर ऑप्शन है सैलरी, गोल्ड, फूड एंड अकोमोडेशन, और चौथा जो है वो है क्लोथ्स। तो हम जानते हैं हरि सिंह ने क्या मांगा था, खाना और रहने का स्थान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। देखिए दूसरा, अनिल वाज ए, यहां पर अनिल के कार्य के बारे में पूछा गया है, और ऑप्शन है थीफ, राइटर, रेसलर, साइंटिस्ट। अनिल क्या था हम जानते हैं, अनिल जो था वह राइटर था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वही सही आंसर है। नेक्स्ट, हरि सिंह वाज 20 इयर्स ओल्ड, हरि सिंह 20 साल का था, और ऑप्शन है ट्रू एंड फॉल्स, सही बात है या गलत बात है। तो हम जानते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो है फॉल्स, गलत जवाब। क्यों, क्योंकि हरि सिंह की उम्र कितनी थी, हरि सिंह 15 साल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल फिट्स एंड स्टार्ट अजीबो गरीब तरीके से, अलग तरीके से पैसे कमाया करता था, ये बात सच है या गलत है। बिल्कुल सच बात है जी। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे, क्योंकि अनिल क्या करता था, एक सप्ताह उसका पैसा आता था और वो उसे सेलिब्रेट करता, उड़ा देता, फिर उधार लेता, फिर चुका देता, ठीक है, और पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखा करता था। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, हमने कैसे अपने इस प्रपत्र को सॉल्व किया है। एग्जाम में या आपके स्कूल में जब भी आपको ऐसे प्रपत्र दिए जाएंगे तब आप भी बड़े ही सावधानी से उन्हें पूरा करेंगे, और इसी प्रकार से सही ऑप्शन जो है, जो आपने चुने हैं, उन्हें आप इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, और इस चैनल को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।